हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आइडियाज़। आई एम दानिश जमील। दोस्तों, आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ ट्रांसफार्मर के टेस्ट के ऊपर कि क्या हमारे कौन किस किस टाइप के हमारे ट्रांसफार्मर में टेस्ट होते हैं। मैं आज इनके बारे में डिस्कस करूँगा। तो दोस्तों, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि जो फ्रेंड्स मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, मेरी वीडियोज़ को पहली बार देख रहे हैं, मैं उनसे काइंडली रिक्वेस्ट करूँगा कि वो प्लीज़ मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जब आप बेल आइकन को क्लिक करते हैं तो मेरे आने वाली अगली लेटेस्ट वीडियो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू सबसे पहले पता चल जाएगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं ट्रांसफार्मर के टेस्ट के ऊपर कि किन किन टाइप के हमारे ट्रांसफार्मर में टेस्ट होते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर लिखा है कि पहला जो हमारा टेस्ट है, जो फर्स्ट टेस्ट है, वो है ओपन सर्किट टेस्ट, एंड जो सेकेंड है हमारा वो है शॉर्ट सर्किट टेस्ट। ये दो टाइप के जो टेस्ट ऐसे हैं जो हमारे ट्रांसफार्मर में भी होते हैं, इंडक्शन मशीन में भी होते हैं, सभी मशीनों में या फिर ट्रांसफार्मर जो भी होते हैं उनमें दो टाइप के टेस्ट करते हैं कि हमारा ओपन सर्किट पे क्या परफॉर्मेंस है उसका और शॉर्ट सर्किट पे हमारा क्या परफॉर्मेंस है। बेसिकली ये जो टेस्ट करते हैं हम लोग, उसकी परफॉर्मेंस देखते हैं कि हमारे ओपन सर्किट पे क्या परफॉर्मेंस मिल रहा है, शॉर्ट सर्किट पे हमारा क्या परफॉर्मेंस मिल रहा है, ओपन सर्किट की जब टेस्टिंग कर रहे हैं हम लोग तो क्या लॉसेज मिल रहे हैं, क्या एफिशिएंसी मिल रही है, इन सारी टेस्टिंग करते हैं इन दोनों टेस्ट के ऊपर। कि यानी कि इन कंडीशन के होने के ऊपर, यानी कि ओवरलोडेड लोडर की कंडीशन, फुल लोड की कंडीशन पे, शॉर्ट सर्किट की टेस्ट पे, या फिर ओपन सर्किट की टेस्ट पे, या नो लोड की टेस्ट पे हमारे किस टाइप के लॉसेज मिल रहे हैं, कितने अमाउंट में मिल रहे हैं, कितने अमाउंट में वोल्टेज प्रोवाइड किया जा रहा है, कितनी इफिशियंसीज मिल रही है, इन सारी टेस्टिंग हम लोग इस टाइप की टेस्टिंग हम लोग इसमें करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं, पहले टेस्टिंग पे चलते हैं हम लोग, ओपन सर्किट टेस्ट। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ओपन सर्किट टेस्ट का मैंने यहाँ पर डायग्राम भी दिखाया है और यहाँ पर हमने कुछ मतलब कि कुछ पॉइंट्स भी यहाँ पर लिखे हैं। पॉइंट्स मैं बेसिकली इसलिए लिख दिया हूँ ताकि आप लोग इसे पढ़ लें और ईजिली आप लोग पढ़ लें और ताकि आपको एक तरीका पता चल जाए कि किस तरीके से उस पॉइंट को लिखना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम लोग ओपन सर्किट के टेस्ट के ऊपर। जैसे कि आप लोग यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं कि ये हमारा जो है, ये जो टर्म है, ये टर्म कहलाता है हमारा ट्रांसफार्मर। ये हमने ट्रांसफार्मर लिया है, इस ट्रांसफार्मर को हम लोग ओपन सर्किट टेस्ट टेस्ट करना है, ओपन सर्किट टेस्ट इस पे परफॉर्म करना है इस ट्रांसफार्मर के लिए। तो इस ट्रांसफार्मर के लिए ओपन सर्किट टेस्ट परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा साइड प्राइमरी है और कौन सा साइड सेकेंडरी है। तो जिस साइड पे हम लोग वोल्टेज यानी कि वोल्टेज सोर्स अप्लाई करते हैं वह साइड कहलाता है हमारा प्राइमरी, और जिस साइड पे हम लोग आउटपुट लेते हैं वो कहलाता है हमारा सेकेंडरी। ठीक है दोस्तों, मैंने ट्रांसफार्मर के ऊपर भी वीडियो बनाया है और मैंने डाला है इस चैनल के ऊपर, मैंने अपलोड किया है, तो मैं इस डिस्क्रिप्शन के नीचे उसका लिंक दे दूंगा, आप वो ट्रांसफार्मर की वीडियो देख लें ताकि आपको बेहतर से समझ में आ सके। तो चलिए दोस्तों, ये अगर हमारा ये ट्रांसफार्मर है और हमने इस साइड पर यानी कि लो वोल्टेज साइड पर, यहाँ पर आप देख सकते हैं LV और HV लिखा है। LV का मतलब है लो वोल्टेज साइड एंड HV का मतलब है हाई वोल्टेज साइड। तो लो वोल्टेज साइड पे हमने क्या किया है कि हमने सप्लाई यानी कि सोर्स कनेक्ट किया है और हाई वोल्टेज साइड को मैंने ओपन रखा है। क्यों? क्योंकि हमें ओपन सर्किट टेस्ट परफॉर्म करना है, तो मैंने सेकेंडरी साइड को यानी कि हाई वोल्टेज साइड को मैंने क्या किया, ओपन रख दिया। लो वोल्टेज साइड पे मैंने क्या किया है, वोल्ट मीटर कनेक्ट किया है, अमीटर कनेक्ट किया है और वाट मीटर कनेक्ट किया है, और ये हमारे जो हैं सोर्सेज हैं जिनके थ्रू मैं क्या करूँगा, प्राइमरी साइड पर मैं सोर्स को अप्लाई करूँगा। यहाँ पर जो वाट मीटर है, वोल्ट मीटर है और एमीटर है, इन तीनों का फंक्शन है कि वो किसी मतलब क्या करेगा कि मेज़र करेगा। जैसे कि वोल्ट मीटर है तो वोल्टेज को मेज़र करेगा, एमीटर है मतलब कि हमारा क्या करेगा, वो जो करंट है उसको मेज़र करेगा, और जो वाट मीटर है वो क्या करेगा, लॉसेज को मेज़र करेगा, पावर को मेज़र करेगा, कितने अमाउंट में लॉसेज हमें मिल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो वाट मीटर यूज़ किया गया ये लॉसेज को फाइंड आउट करने के लिए, कितने अमाउंट में हमें लॉसेज मिल रहे हैं वो फाइंड आउट करेगा ये वाट मीटर। तो हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली सबसे पहले क्या करते हैं कि प्राइमरी साइड पे हम लोग क्या करते हैं, ओपन सर्किट टेस्ट में जो रेटेड वोल्टेज है इस ट्रांसफार्मर की, जो भी रेटेड वोल्टेज होगी वो रेटेड वोल्टेज को हम लोग प्राइमरी साइड पे अप्लाई करते हैं। जस्ट सपोज दैट अगर इसकी रेटेड वोल्टेज है 230 वोल्ट, तो हम लोग क्या करेंगे, 230 वोल्ट फुल 230 वोल्ट यहाँ पर हम लोग अप्लाई करेंगे, यानी कि जितनी भी रेटेड वोल्टेज होगी इस ट्रांसफार्मर की मैं उतनी रेटेड वोल्टेज यहाँ से सप्लाई करूँगा। ये वोल्ट मीटर क्या करेगा, हमें ये मदद करेगा, हेल्प करेगा कि हमने क्या 230 वोल्ट ही अप्लाई किया है या फिर उससे ज़्यादा है या फिर कम है, मैं इसके थ्रू मेज़र कर सकता हूँ। इसके थ्रू मेज़र करूँगा कि जब हमारा 230 वोल्ट हो जाएगा तब मैं क्या करूँगा इसको, मतलब कि अब मैं ज़्यादा वोल्टेज नहीं दूंगा, क्योंकि इसके रेटेड कितनी थी 230 वोल्ट, और मैंने जब वोल्टेज अप्लाई किया तो इस वोल्ट मीटर के थ्रू हमें रीडिंग मिल गया कि 230 वोल्ट हो गया, तो अब मैं क्या करूंगा, अब वोल्टेज को इंक्रीज नहीं करूंगा, मैं उतने पे स्टॉप कर दूंगा, क्योंकि इसे 230 वोल्ट रेटिंग है, रेटिंग है इसकी, ठीक है, इसकी इसकी रेटिंग है, तो मैं क्या करूंगा 230 वोल्ट पे इसे अब
कांस्टेंट कर दूंगा, 230 वोल्ट पे छोड़ दूंगा। जब ये फुल रेटेड वोल्टेज यहाँ पे अप्लाई हो गया, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमने सेकेंडरी साइड को ओपन रखा है। जब सेकेंडरी साइड को ओपन रखा है, जस्ट सपोज दैट हमने यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई किया, वोल्टेज अप्लाई करने के बाद प्राइमरी साइड पे गया, फ्लक्स बना, फ्लक्स क्या करेगा, जो नंबर ऑफ कंडक्टर है सेकेंडरी पे, वो उसको क्या करेगा, कट करेगा, तो हमें आउटपुट साइड पे वोल्टेज मिलेगा, करंट मिलेगा। लेकिन हमने यहाँ पर क्या किया है, इसे ओपन रखा है। जब हमने ओपन रखा है तो यहाँ पर जो करंट होगा, यानी कि I2 जो होगा वो जीरो होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं जब किसी भी सर्किट में क्लोज लूप नहीं होता है तो करंट का वैल्यू क्या होता है, जीरो हो जाता है। क्यों? क्योंकि यह क्लोज लूप है, ओपन है, तो करंट क्या हो जाएगा, जीरो होगा। वोल्टेज तो हमें मिलेगा, लेकिन करंट जो होगा वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि यह ओपन है। ओपन होने के कारण यहाँ पर जो I2 होगा वो जीरो होगा। जब ये नो लोड पर है, यानी कि ओपन है, ओपन पर जब I2 जीरो है, तो हमारा एक नो लोड करंट फ्लो होता है प्राइमरी साइड पे, जिसको कि हम लोग कहते हैं I0। यहाँ पर मैंने I0 से शो किया है। जब हम लोग क्या करते हैं कि ट्रांसफार्मर की जब नो लोड टेस्ट या फिर ओपन सर्किट टेस्ट परफॉर्म करते हैं, सेकेंडरी साइड को क्या करते हैं, ओपन रखते हैं। जब हम लोग सेकेंडरी साइड को ओपन रखते हैं, तो एक नो लोड करंट फ्लो होता है हमारा प्राइमरी साइड पे, जो कि हम लोग क्या करेंगे, इस एमीटर के थ्रू मेजर करते हैं। जो एमीटर आप देख रहे हैं, यह एमीटर का वर्क ही यही है कि जो हमारा I0 करंट फ्लो हो रहा होगा प्राइमरी साइड पे, किसके कारण, सेकेंडरी पे जो नो लोड की कंडीशन है, उसके वजह से जो I0 करंट फ्लो हो रहा होगा प्राइमरी साइड पे, वो क्या होगा, इस एमीटर ए के थ्रू क्या होगा, मेजरमेंट किया जाएगा। अब बात करते हैं यानी कि लॉसेज की, तो लॉसेज क्या क्या मिलेंगे। जब आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर ट्रांसफार्मर में दो तरह की लॉसेज होती हैं, फर्स्ट हमारी होती है कोर लॉसेज और सेकेंड हमारी होती है कॉपर लॉसेज, ठीक है। जो कोर लॉसेज होती है, मैं एक बार फिर से आपको बता दूँ, मैं अगली वीडियो में भी बताया था कि कोर लॉसेज और कॉपर लॉसेज किन चीज़ों पर डिपेंड करती है। जो कोर लॉसेज होती है, कोर लॉसेज जो होती है वो डिपेंड करती है वोल्टेज पे, और जो हमारी कॉपर लॉसेज होती है वो डिपेंड करती है करंट पे। ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, आप इसको याद रखिएगा कि जो हमारा कोर लॉसेज होता है वो डिपेंड करता है वोल्टेज के ऊपर, और जो कॉपर लॉसेज होता है वो डिपेंड करता है हमारा करंट के ऊपर। अब क्या हो रहा है, मैं तो यहाँ पर रेटेड वोल्टेज अप्लाई कर रहा हूँ, तो मैं फ्लक्स जो होगा वो बनेगा, यानी कि हमारा जो रेटेड वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि हमारा कोर लॉसेज मिलेगा, क्योंकि वो डिपेंड कर रहा है वोल्टेज पे। तो हमने यहाँ पे वोल्टेज तो रेटेड अप्लाई किया है, जो रेटेड वोल्टेज है वो मैंने अप्लाई किया, मतलब कि यहाँ पर जब वोल्टेज है तो मतलब कि कोर लॉसेज भी होगा, और जब वोल्टेज है तो फ्लक्स है, और फ्लक्स बना तो हमारा एडी करंट लॉसेज और हिस्टेरेसिस लॉसेज होगा, और जब हिस्टेरेसिस लॉसेज हुआ तो हमारा कोर लॉसेज भी मिलेगा। लेकिन यहां पर कॉपर लॉसेज जो होगा वो निग्लेक्ट होगा, इसलिए होगा क्योंकि देखिए, अब यहाँ पर से तो हमने वोल्टेज अप्लाई किया, यहाँ से प्राइमरी साइड पे करंट फ्लो किया, जब करंट फ्लो किया तो यहाँ पर प्राइमरी साइड का तो हमें I2R लॉसेज मिलेगा, लेकिन सेकेंडरी साइड पे तो हमारा करंट जीरो है, तो इसका सेकेंडरी साइड का I2R लॉसेज जीरो हो गया, जिसके वजह से इसमें जो I2R लॉसेज होता है ओपन सर्किट टेस्ट में प्राइमरी के ऊपर ही सिर्फ होने की वजह से क्या होता है कि यहाँ पर I2R लॉसेज नेग्लेजिबल होता है, क्योंकि बहुत ही कम अमाउंट में होता है। इसलिए हमने यहाँ पर लिखा भी है I2R लॉसेज इज वेरी स्मॉल, I2R लॉसेज इज वेरी स्मॉल एंड इट हैव ओनली कोर लॉसेज, यानी कि I2R लॉसेज स्मॉल होता है, बहुत ही कम अमाउंट में पाया जाता है, जिसकी वजह से हम लोग इसे नेग्लेजिबल मानते हैं, और ओपन सर्किट टेस्ट में सिर्फ और सिर्फ एक लॉसेज पाई जाती है, वो होती है कोर लॉसेज। अब ये जो नो लोड करंट फ्लो हो रहा है I0, इसकी भी कुछ अमाउंट होगी कि ये कितने अमाउंट में फ्लो होगा, यहाँ पर मैंने उसे भी मेंशन किया है। स्मॉल नो लोड करंट I0 इज फ्लो ऑन द प्राइमरी साइड, बट नो लोड करंट इज वेरी स्मॉल, यूजुअली 2 to 5% ऑफ द फुल लोड रेटेड प्राइमरी करंट। जो हम लोग यहाँ पर रेटेड प्राइमरी करंट फ्लो कराएंगे, जैसे मान लिया जाए 100 एम्पेयर है रेटेड प्राइमरी करंट, प्राइमरी का करंट अगर रेटेड जो भी है वो है 100 एम्पियर, तो नो लोड करंट जो होगा इसका 2 to 5% होगा, यानी कि जो भी रेटेड करंट होगी प्राइमरी साइड की, उसका 2 to 5% हमारा क्या होगा, नो लोड I0 होता है। ये डिपेंड करता है इसके ऊपर, यानी कि प्राइमरी की रेटेड करंट कितनी है उसके ऊपर, यानी डिपेंड करता है 2 to 5% उसका होता है हमारा नो लोड। ये बात आप याद रखेंगे कि हमारे ओपन सर्किट टेस्ट में सिर्फ और सिर्फ कोर लॉसेज पाई जाती है, कॉपर लॉसेज निग्लेजिबल होता है, और I0 करंट फ्लो करता है, और इसके जो अमाउंट होते हैं I0 के वो 2 to 5% होते हैं। ये कुछ चार फोर पॉइंट थोड़े
थोड़े इंपॉर्टेंट थे तो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया, मैंने यहाँ पे लिख दिया ताकि आप लोग इजीली रीड भी कर सकें। अब बात करते हैं शॉर्ट सर्किट की कंडीशन, यानी कि शॉर्ट सर्किट टेस्ट क्या होता है। शॉर्ट सर्किट टेस्ट पर भी आप लोग देख सकते हैं कि मैंने एक डायग्राम यहाँ पर दिखाया है जिसमें कि यहाँ पर सप्लाई है, एमीटर है, और यहाँ पर वॉट मीटर है, यहाँ पर वोल्ट मीटर है, और यहाँ पर जैसे कि पिछले वाले कंडीशन में देख रहे थे इन दोनों टर्मिनल को मैं ओपन रख रहा था, अब क्या कर दिया मैंने शॉर्ट कर दिया। शॉर्ट करना मतलब इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर हमें शॉर्ट सर्किट की कंडीशन निकालना है, यानी कि लोडेड कंडीशन निकालना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा शॉर्ट कर दूंगा। ठीक है, शॉर्ट का मतलब यहाँ पे कुछ लोड कनेक्टेड है, ठीक है, तो ये शॉर्ट किया मैंने। शॉर्ट किया तो इसमें भी दो साइड होंगे, एक होंगे हमारे हाई वोल्टेज साइड, एक लो वोल्टेज साइड होंगे, तो मैं क्या करूँगा लो वोल्टेज साइड को क्या करूँगा शॉर्ट करूँगा, और हाई वोल्टेज साइड के साइड पर मैं क्या करूँगा सप्लाई दूंगा, और जितने भी हमारे इक्विपमेंट है जैसे एमीटर, वाट मीटर, वोल्ट मीटर, वो मैं क्या करूँगा हाई वोल्टेज साइड पर कनेक्ट करूंगा। ठीक है, जिस तरीके से मैं क्या कर रहा था वहां पर कि प्राइमरी साइड पे हमारे इस ट्रांसफार्मर की रेटेड वोल्टेज को अप्लाई कर रहा था, यानी कि इस ट्रांसफार्मर की कुछ ना कुछ रेटेड वोल्टेज है, तो मैं क्या कर रहा था ओपन सर्किट टेस्ट में कि यहाँ पर रेटेड अमाउंट में, यानी कि जो रेटेड वोल्टेज थी इसकी, वो मैं यहाँ पे सप्लाई कर रहा था। लेकिन इसमें क्या करते हैं हम लोग कि इसकी जो रेटेड वोल्टेज होती है ट्रांसफार्मर की, अगर मान लिया जाए 400 वोल्ट है रेटेड वोल्टेज, तो हम लोग क्या करेंगे इसका 2 to 12% ही सिर्फ अप्लाई करते हैं प्राइमरी साइड पे। अगर इस ट्रांसफार्मर का रेटेड वोल्टेज 400 वोल्ट है तो हम लोग इसका 2 to 12 वोल्ट यानी कि 2 से 12% ही हम लोग अप्लाई करते हैं इस ट्रांसफार्मर की प्राइमरी साइड पर। अब क्या होगा जैसे ही मैं वोल्टेज अप्लाई करूंगा 2 to 12 वोल्ट ऑफ द रेटिंग ऑफ द वोल्टेज रेटिंग ऑफ दिस ट्रांसफार्मर, तो यहाँ पर क्या होगा जब वोल्टेज ऑफ क्या करेगा वोल्टेज मैंने अप्लाई किया तो यहाँ पर भी करंट फ्लो करेगा, वोल्टेज मैंने अप्लाई किया तो यहाँ पर भी फ्लक्स बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी कुछ होते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने जब शॉर्ट सर्किट किया है, जैसे वहाँ पे मैं ओपन रख रहा था तो वहाँ पर ओपन सर्किट नो लोड करंट फ्लो हो रहा था, जब यहाँ पे मैं शॉर्ट करूँगा तो एक शॉर्ट सर्किट करंट भी यहाँ पर फ्लो होगा, और जो हमारे शॉर्ट सर्किट वोल्टेज होंगे वो इस वोल्टेज के थ्रू मेजर किए जाएंगे, इस वोल्ट मीटर के थ्रू मेजर किए जाएंगे, और जो शॉर्ट सर्किट करंट होगा वो हमारा इस एमीटर के थ्रू, और ये वोल्ट मीटर क्या करेगा हमारे लॉसेज को फाइंड आउट करेगा कि कितने अमाउंट में हमारे लॉसेज मिल रहे हैं। तो चलिए अब दोस्तों शुरू करते हैं लॉसेज के ऊपर कि किन टाइप के लॉसेज मिलेंगे और कितने अमाउंट में मिलेंगे और कैसे मिलेंगे। अब क्या किया मैंने यहाँ पर, अब जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था कि जो हमारा कोर लॉसेज होता है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि कोर लॉसेज डिपेंड करता है वोल्टेज पे और कॉपर लॉसेज डिपेंड करता है करंट पे, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर वोल्टेज, तो मैं क्या कर रहा हूँ वोल्टेज तो अब क्या कर दिया मैंने डिक्रीज कर दिया क्योंकि 2 to 12 वोल्ट ही अप्लाई कर रहे हैं, वहाँ तो फुल रेटेड वोल्टेज अप्लाई कर रहे थे, यहाँ पे 2 to 12 वोल्ट अप्लाई किया मतलब कि वोल्टेज हमारा डिक्रीज हो गया। जब वोल्टेज हमारा कम मिला मतलब कि कोर लॉसेज भी हमारा क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा। जब हमारा कोर लॉसेज डिक्रीज हो गया तो बचा अब कॉपर लॉसेज, तो कॉपर लॉसेज में क्या होगा, कॉपर लॉसेज होता है हमारा I स्क्वायर R होता है। अब देख सकते हैं कि हम लोग यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि फुल जो हमारे फुल रेटेड वोल्टेज हैं उसका 2 to 12 वोल्ट अप्लाई करते हैं, लेकिन जो यहाँ पर करंट होती है फुल रेटेड करंट होती है, इनकी जो रेटेड करंट होगी अगर मान लीजिए इसकी रेटेड करंट 20 एम्पेयर है, जस्ट सपोज दैट 20 एम्पेयर है, इतना तो नहीं होगा लेकिन जस्ट सपोज दैट कि हमारा 20 एम्पेयर है, जब 20 एम्पेयर है तो ये क्या होगा कि रेटेड वोल्टेज से 2 to 12% होगा लेकिन जो करंट होगी वो टोटल की टोटल 20% ही फ्लो होगी। जब यहाँ पर 20 एम्पेयर ही फ्लो हो रही है तो I स्क्वायर R लॉसेज प्राइमरी का हमें मिल जाएगा और सेकेंडरी का भी I स्क्वायर R लॉसेज मिलेगा, क्यों, क्योंकि अब तो ये शॉर्ट है, लेकिन शॉर्ट है तो यहाँ पर क्या होगा करंट की कंटिन्यूसली फ्लो कर रहा है एक डायरेक्शन में, तो यहाँ पर भी हमें I स्क्वायर R लॉसेज मिलेगा। तो अब मैं क्या करूँगा कि प्राइमरी और सेकेंडरी का I स्क्वायर लॉसेज ऐड करूँगा और हमें यहाँ पर सिर्फ मिलेगा कॉपर लॉसेज जो कि मेजर किया जाएगा इस वॉट मीटर के थ्रू, और यहाँ पर कोर लॉसेज हो जाएगा नेग्लेजिबल, क्यों, क्योंकि हमने वोल्टेज जो दिया है वो बहुत ही कम दिया है जिसके वजह से कोर लॉसेज जो हमारे बहुत ही स्मॉल अमाउंट में प्रोड्यूस होंगे जिसके वजह से कि कोर लॉसेज हमारा क्या होगा नेग्लेजिबल होगा। जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा भी है कुछ पॉइंट, अप्लाइड वोल्टेज इज लेस देन 2 to 12% ऑफ रेटेड वोल्टेज, अगर आप और भी किसी बुक में अगर आप देखेंगे तो किसी किसी बुक में 5% दिया रहता है कि रेटेड वोल्टेज से हम लोग 5% तक हम लोग क्या करते हैं सप्लाई करते हैं, तो ये एक स्टैंडर्ड बुक का रेटिंग स्टैंडर्ड बुक से मैंने आपको ये दिया है 2 to 12% ऑफ रेटिंग वोल्टेज। एंड सेकेंड है हमारा कोर लॉसेज इज वेरी स्मॉल, यहाँ पर कोर लॉसेज वेरी स्मॉल होता है जिसकी वजह से वो क्या होता है नेग्लेजिबल होता है,
एंड इट हैज़ ओनली आर स्क्वायर आर लॉसेज। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आर स्क्वायर आर लॉसेज यानी कि कॉपर लॉसेज हमें यहाँ पर मिलते हैं जो कि इस वॉट मीटर के थ्रू मेज़र किया जाता है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक, उम्मीद है मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। तो सो प्लीज़ अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।